नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो मैं आई हूँ अपनी बहन के घर, और क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि कल है करवा चौथ, तो उसकी थोड़ी सी तैयारी हमें करनी है। तो फेशियल वगैरह ही करना है, खुद से पार्लर नहीं जाएंगे, ना कोरोना के करके जा रहे हैं, और वैसे भी हम पार्लर वगैरह में नहीं जाते। थ्रेडिंग करवानी होती है पार्लर में, तो बस वो हम करवा आए थे, घर के सामने ही पार्लर है। तो अब मैं अपनी बहन के घर आई हूँ, पहले मैं फेशियल करूँगी अपनी बहन का, और उसके बाद मैं अपना फेशियल करूँगी, और उसके बाद मेहंदी वगैरह लगाऊंगी मैं अपनी बहन के। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और वो पीछे मेरे जीजा जी हैं जो घूमते फिर रहे हैं, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो फेशियल कर लिया है और थोड़ा सा ग्लो तो आ गया है। तो ग्लो भी ना आए, लेकिन फेशियल इसलिए भी ज़रूरी है जिससे कि जो डेड स्किन है वो निकल जाए। और साल में एक बार फेशियल करना है तो कर भी लेना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में तो मोस्टली यही होता है कि करवा चौथ पे ही ज़्यादातर औरतें फेशियल वगैरह करवाती हैं। तो हम पार्लर तो नहीं जाते वैसे, तो अब तो कोरोना है, लेकिन वैसे भी हम पार्लर नहीं जाते फेशियल वगैरह के लिए। सिर्फ थ्रेडिंग वगैरह करवानी होती है तो ही हम पार्लर जाते हैं। और कोरोना के करके तो खैर पता ही है कि कोई भी नहीं जा रहा है इस टाइम तो, लेकिन फिर भी हम जो है पार्लर वालों के साथ कंफर्टेबल नहीं है फेशियल वगैरह करवाने में। थ्रेडिंग तो करवानी ही पड़ती है क्योंकि वो हमें नहीं आता, अदरवाइज हम कोशिश करते हैं कि सभी काम हम खुद से कर लें, और आता भी है तो फिर क्यों करें। तो फेशियल कर लिया है और बहन मेरी आने लग रही है, अब मैं उसको लगाऊंगी मेहंदी।
तो फिर चलिए आज आप मेरी ये वाली कला भी देख लीजिए, मेहंदी में लगा लेती हूँ अच्छी खासी, अपने आप को भी और सबको। बस ये है कि एक हाथ से मेरे से खुद को नहीं लगती, तो बस उसी की थोड़ी सी टेंशन मुझे हर बार रहती है। तो कोई नहीं, इस बार देखेंगे कि अगर कोई मिल जाती है अच्छे से लगाने वाली। तो फिर चलिए पहले मैं बहन को मेहंदी लगा लूँ, और जो दूसरी बहन है मेरी रुचि, उसको मैंने लगा दी थी पहले ही, तो आ गई है दोनों चमक गए हैं अब तो चलो अब मेहंदी लगाते हैं। बहनों को लगा दी है दोनों को मेहंदी, और इसी में ही बहुत टाइम लग गया है, बहुत देर हो गई है। तो अब मुझे घर जाना है वापस, और जाके खाना भी बनाना है, और मेरा हाथ रह गया है खाली। तो कोई बात नहीं, कल को मैं लगा लूँगी, एक हाथ पे तो लगा ही लूँगी, दूसरे का देखूँगी जो होएगा हो जाएगा। तो फिर अभी मुझे जाना है घर, कोई नहीं, शक्ल तो थोड़ी सी चमक गई है, कल को मैं हाथ भी चमका लूँगी अपना। तो फिर आज का ये वीडियो बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और अगर आपको मेरी मेहंदी के डिज़ाइन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए,
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।